स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हाउ डू आई लव दी बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। इनके आप जन्म देख सकते हैं 1806 से 1861 का है ये। और इन्होंने ये जो हाउ डी आई लव दी है ये एक है, ये जो है ये एक सोनेट है। सोनेट नंबर है आपका 43, बॉर्न ऑन 6 मार्च। अगर आप इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी इसके बाद हम पोएम पे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डू आई लव दी, हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वे। आई लव दी टू द डेप्थ एंड ब्रेथ एंड हाइट माई सोल कैन रीच व्हेन फीलिंग आउट ऑफ साइट फॉर द एंड्स ऑफ बींग एंड आइडल ग्रेस। आई लव दी टू द लेवल ऑफ एवरी डेज most quiet need by sun and candle light. I love thee freely as men strive for right. I love thee purely as they turn from praise. I love thee with the passion put to use in my old grips and with my childhood faith. I love thee with the love I seem to lose with my lost saints. I love thee with the breath, smiles, tears of all my life. And If God choose, I shall but love thee better after death. तो इसमें चलिए देखते हैं summary of the poem। इसके हिंदी हम पढ़ते हैं। ये है summary of the poem। मैं इसकी हिंदी भी पढ़ देती हूँ, साथ में समझा भी देती हूँ, क्योंकि यह सोनेट एक अंग्रेजी सोनेट की बजाय एक पेट्रार्चन सोनेट है और इसी वर्ष 1850 में लिखा गया था। यहाँ जो पोएट हैं, जो पोएट त्री हैं, कवित्री हैं, सीधे श्रोता से संबोधित करती हैं। देखिए ये द सोनेट इज अ पेट्रार्कन सोनेट रेदर देन इंग्लिश सोनेट एंड वॉज रिटन इन द ईयर 1850। हियर द पोएटिस एड्रेसेस द लिसनर डायरेक्टली हाउ मच डू आई लव यू सी सी दैट सी कैन काउंट ऑल द वे इन विच सी लव्स हर लवर। सी सीज दैट सी लव्स हिम टू द एड्स ऑफ हर एड्स ऑफ हर सोल वैन इट रीचेज आउट फॉर द अनसीन गोल्स ऑफ एटर्निटी एंड वन इज विथ गॉड। सी लव्स हिम एज शी नीड्स टू बी लव्ड एवरी डे वेदर ड्यूरिंग द डे और द इवनिंग। सी लव्स हिम बाई हर फ्री चॉइस लाइक दोज हु चूज टू डू द राइट थिंग। सी लव्स हिम विदाउट सेल्फ रिगार्ड लाइक दोज हु डोंट ब्रैग अबाउट देयर अकॉम्प्लिशमेंट accomplishment. She loves him more than the passion she used to feel for her old suffering and for the religion of her childhood. She says that she loves him with a love she thought she had lost when she lost faith in my saint. She loves him with every breath, smile and tear, and will do so for the rest of her life. And if God brings them to heaven, she says that she will love her lover the even more in the आफ्टर लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सोनेट एक सोनेट के बजाय पेट्रार्चन सोनेट है और इसे वर्ष 1850 में लिखा गया था। यहाँ कवियत्री सीधे श्रोता को संबोधित करती है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। वह कहती है कि वह अपने प्रेमी से प्यार करने के लिए सभी तरीकों को गिन सकती है। वह कहती है कि वह उसे अपनी आत्मा के किनारों तक प्यार करती है जब तक वह अनंत काल के अनदेखी लक्ष्यों और भगवान के साथ एकता के लिए पहुँचती है। वह उससे प्यार करती हैं क्योंकि उसे हर दिन प्यार करने की ज़रूरत होती है, चाहे वो दिन हो या शाम। वह उसे अपनी स्वतंत्र पसंद से प्यार करती है, जैसे कि लोग सही काम करना चुनते हैं। वह उसे आत्मसम्मान के बिना प्यार करती है, जैसे वे जो अपनी उपलब्धियों के बारे में डींगे नहीं मारता है। वह उसे उस जुनून से ज़्यादा प्यार करती है जो वह अपने पुराने कष्टों के लिए और अपने बचपन के धर्म के लिए महसूस करती थी। वह कहती है कि उसे प्यार से प्यार करती है जिससे उसने सोचा था कि वह खो गई है जब उसने मेरे संतों में विश्वास रखा। वह उसे हर सांस मुस्कान और आंसू के साथ प्यार करती है और जीवन भर ऐसे करेगी। और अगर भगवान उसे स्वर्ग में ले लाता है तो वह कहती है कि वह अपने प्रेमी के बाद के जीवन में भी और अधिक प्यार करेगी। इसमें जो पोएट्री हैं उन्होंने अपने प्यार के बारे में अपने जो प्रेमी हैं उनको बताया है कि वो उनसे कितना प्यार करती हैं। और ये भी कहती हैं कि जब वो मर जाएंगी, मरने के बाद भी अगर भगवान से उन्होंने पूछा तो वो यही बोलेंगे कि वो अपने प्रेमी को बहुत प्यार करती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।